तो गाइस देख सकते हो फाइनल कितनी भीड़ जमा है। ये शाहरुख खान भाई का बंगला है जो कि मन्नत है। ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे तो मन्नत शाहरुख भाई मन्नत अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान और आज का मेरा ब्लॉग ये है कि मेरे पास पहले की वीडियो पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा आज अपलोड कर दूं। तो मेरे पास मुंबई की ये वीडियो पड़ी हुई थी कि मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट गया हुआ था जो कि सलमान भाई का घर है माशाल्लाह, और उसके बाद फिर शाहरुख खान भाई के घर गए थे मन्नत जो कि मन्नत हाउस है उनका। तो वहाँ पर गए थे, मन्नत लैंड पर गए थे हम लोग, और उसके बाद हम लोग गए थे, उनकी कार भी दिखी थी वो भी आपको दिखाऊँगा। फिर हम लोग वहाँ पर गए थे क्या बोलते हैं जियो गार्डन में जो कि वहाँ पे चल रहा था एफिक फेम जैम, तो एफिक फेम जैम चल रहा था उस समय। तो एफिक फेम जैम भी दिखाऊंगा आपको जो कि वहाँ पे सारे टिकटॉक स्टार मिले थे मेरे को, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो जाओ और देखो और बताओ कमेंट करके। अगर आप हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान और मैं आया हूँ मुंबई में, तो मुंबई में मैं हूँ अंधेरी और अभी हम लोग जा रहे हैं वर्सावा, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी जाते हैं और बताते हैं कि सर क्या है वहाँ का सीन, तो मिलाते हैं शुक्र में बाय। तो देख सकते हो गाइस मैं हूँ जू एरिया में जो कि वर्सावा एरिया है, और यहाँ पर एक छोटा एयरपोर्ट है जहाँ पर क्या बोलते हैं यहाँ पे छोटी प्लेनें भी उड़ती हैं। तो यहाँ पे हर 5-10 मिनट में आपको प्लेन देखने को मिल जाएगा। अचारे ले बाइक में क्या बोलते हैं मुंबई में पब्लिक। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान और मैं आया था मुंबई में, मुंबई में मैं हूँ अंधेरी में। तो अंधेरी में यहाँ मेरे भाई लोग हैं जो कि मेरे को भाई ने इनवाइट किया था, और मुस्तकीम करके एक मेरा भाई है वो अभी यहीं में दिखाता हूँ। तो भाइयों ने ऑर्डर किया खाने का जो कि भाई एक चीज़ में तुमको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर पाव रोटी ज़्यादा खाते हैं, मतलब पाव और क्या ये उड़द गोश्त है, मतलब दाल और गोश्त दोनों मिक्स है क्या? दाल गोश्त दोनों मिक्स है, और यहाँ का ये फेमस डिश है अंधेरी का। अब मुंबई का क्या फेमस है मुझे पता नहीं, बाकी जाते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं कैसा है मुंबई शहर में मिलाते हैं। कैसा लगता है टेस्ट? दम बेस्ट। हाँ तो मैं भी अभी खाता हूँ और बताता हूँ कैसा लगता है कैमरा को मार के। दाल गोश्त है, तो भाई यहाँ का पाव चाहे वाड़ा पाव खाओ चाहे पाव खाओ, यहाँ पे पाव ज़्यादा फेमस है भाई, कुछ भी कहो ये पाव ज़्यादा फेमस है। अच्छा लगा। तो फाइनली मैं बैंड्रा स्टेशन में हूँ जो कि बैंड्रा स्टेशन पहले फ्यूचर में नहीं पास्ट में कुछ ऐसा दिखता था, और मुंबई पास्ट में कुछ ऐसा दिखता था देख सकते हो, पहले का मुंबई और अब फ्यूचर का मुंबई देख सकते हो, काफ़ी बदल गया मुंबई यार, तो काफ़ी शानदार है। और ख़ास करके बैंड्रा स्टेशन बहुत पुराना है, बहुत अच्छा दिख रहा दिखने में। तो बाहर से दिखाते कैसा क्या सीन है, और सलमान खान से शाहरुख खान से मिलाते हैं। गाइस देख सकते हो बैंड्रा स्टेशन है और काफ़ी पुराना है, काफ़ी शानदार दिख रहा है। तो देख सकते हो फाइनली बैंड्रा स्टेशन ही है, और बहुत पुराना है, बहुत शानदार है, और इसकी नक्काशी और इसकी कलाकृति पूरी पुराने ज़माने की 10वीं सदी तरफ की लगी ना। और ये सामने से बाहर से आपको दिखने में लग जाएगा हॉन्टेड हाउस की तरह, बट हॉन्टेड हाउस नहीं है ये बैंड्रा स्टेशन है। तो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो आप लोग बैंड्रा वेस्ट उतरोगे ना तो यहाँ पे सुन्नी जामा मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है, स्टेशन के सामने बहुत खूबसूरत है। और सामने देख सकते हो स्टेशन बहुत पुराना है, पर बाकी बहुत अच्छा दिखने में, आपकी नज़रें ठहर जाएंगी देखते देखते, मतलब अच्छा लगेगा, आपका मन करेगा एक बार यहीं रुक जाओ कहीं मत जाओ माशाल्लाह। फाइनली हम लोग आई लव बैंड्रा पहुँच चुके हैं। यहाँ पर घास वाला नहीं बोतल वाला घोड़ा है, 22 बोतल के सॉरी घोड़े के अंदर बोतल है, और सामने एक चर्च है। अच्छा यहाँ है क्या भाई, जो सामने से लेना चाहिए तो फिर अपन को भाई आई लव यू बैंड रहा है देख सकते हो, ये मेरे को सामने से लेना पड़ेगा इसके लिए वीडियो शूट, कोई बात नहीं आ तो गई है, बाकी मचा रहे और घुमा रहे और देख रहे हो दिखा रहे कैसा है मुंबई और बैंड्रा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, कुछ भी कहो भाई एक नंबर एरिया है। और ये आई लव यू बैंड्रा जो है ना, ये पूरे बोतल भरे हुए इस घोड़े के अंदर देख सकते हो, काफ़ी विकसित एरिया है। ये अपने भाई लोग मचाते हुए बताते हुए शाहरुख खान का बंगला और सलमान खान का बंगला, तो अभी हम जाते और मिलाते हैं। सलमान का बंगला आ गई है अपार्टमेंट, तो जाते हैं और दिखाते हैं और मचाते हैं भाई। व्हाट्स अप हम लोग टेसु भाई के घर गए थे, टेसु भाई तो मिले ही नहीं,
पर हम लोग सलमान, हाँ कोई बात नहीं, बाकी हम लोग आ गए सलमान खान भाई के बंगले पे, गैलेक्सी अपार्टमेंट है, शाहरुख खान का बंगला भी अभी मन्नत आएगा और सलमान खान का बंगला दिखाने जा रहे हैं। देखो ना फोटो की तो जा रहे और दिखा रहे और बता रहे ये सामने बंगला तो मचाते और बता। तो देख सकते हो गाइस फाइनली हम लोग गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुँच चुके हैं, जो कि भाई फोटो ले रहा है और सलमान खान भाई जो कि सामने खिड़की दिख रही है ना। तो गाइस देख सकते हो फाइनली हम लोग गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं और सलमान खान जो भाई है तो ये सामने वाले यहाँ से आते हैं देख सकते हो, और यहाँ पे पूरा 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 क्राउड हो जाता है यहाँ पर जब ईद के दिन हो या बर्थडे के दिन उनके, यहाँ पे पूरे फैंस लोग जमा हो जाते हैं सलमान खान भाई के। और ये सामने देख सकते हो यहीं से आते हैं सलमान खान भाई गैलेक्सी अपार्टमेंट में से, तो हम लोग वहीं पर हैं और ये गैलेक्सी अपार्टमेंट। तो देख सकते हो गाइस सारे पब्लिक लोग आ रही है धीरे धीरे देख रहे गैलेक्सी अपार्टमेंट, और सब लोग इधर फोटोशूट कराएंगे अभी थोड़ी देर में, और यहीं से सलमान खान भाई आते हैं और ये सामने सारे फैंस लोग खड़े हो जाते हैं देख सकते हो। बता दो ये भी सच। हाँ तो गाइस पानी देख सकते हो ये रहा गेट और वो रहा पर्दा। हाँ भाई बोलना। और सलमान भाई आते हैं ईद के दिन आते हैं तो उनके फैन लोग से मिलने, और हाँ। उनके बर्थडे के दिन आते इधर उनके फैन लोग से मिलना इधर से। अच्छा अच्छा, तो ये पर्दा जब ऊपर हो जाता होगा शेरा है ना शेरा, हाँ। वो पर्दा खींचता है तो आते उसका सलमान भाई पब्लिक एकदम बहुत कुछ सलमान भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह तो देख सकते हो काफी शानदार एरिया है और ये सामने बैंड स्टैंड है, और अभी देखते हैं और बताते हैं शाहरुख भाई का घर जो है कहाँ पर है दिखाते हैं। तो मैं बैंड स्टैंड हूँ और बैंड स्टैंड में देख सकते हो ये काफी खूबसूरत होटल है सामने, अभी शाहरुख खान भाई के घर जा रहे हैं जो मन्नत हाउस से जा रहे हैं, वहाँ पे दिखाना आपको कैसा क्या सीन है, तो दिखाते और बताते और मचाते हैं। बैन स्टेन हेलीकॉप्टर, अभी किसका हेलीकॉप्टर है मेरे को मालूम नहीं है। तो गाइस देख सकते हो फाइनल कितनी भीड़ जमा है, ये शाहरुख खान भाई का बंगला है जो कि मन्नत है, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो कितना क्राउड है और यहाँ पे बॉडी गार्ड भी है, ये शाहरुख खान भाई का बंगला है, यहीं से वो आते हैं बाहर। अभी हेलीकॉप्टर की आवाज़ कहाँ से आती पता नहीं पड़ रहा मेरे को, ये देख सकते हो जो आप लोगों ने फिल्मों में देखा है वीडियो में देखा है ये सब मन्नत हाउस सारी पब्लिक। हाँ अच्छा, यहीं पे सीढ़ी लगा के खड़ा होता है ना भाई, वो देखो सीढ़ी है ना सीढ़ी पे खड़ा था। अच्छा ये सामने जो सीढ़ी है, अच्छा गाइस देख सकते हो जो सामने जो सीढ़ी दिख रही है ना यहाँ पर, इसी सीढ़ी पे आके बार भाई खड़े होते हैं और हाथ हिलाते थोड़ा लोगों को इम्प्रेस करते हैं राइट। काफ़ी शानदार शानदार बन गए भाई। और ये मन्नत बहुत पुराना मन्नत है और बहुत शानदार है, तो अभी सारी पब्लिक फोटो शूट कर रही है वीडियो शूट ले रही है। सारी पब्लिक ज़्यादातर फोटो शूट के लिए आई है मेरा भाई मन्नत मन्नत मन्नत, ये उनका गेट है, यहीं से बाहर आते जाते हैं वो ज़्यादातर, और ज़्यादातर वो यहाँ पे खड़े होते हैं यहाँ पर ईद के दिन हो या समथिंग उनके बर्थडे के दिन हो बाहर आते हैं। लैंड्स इज एंड काफ़ी खूबसूरत एरिया देख सकते हो, काफ़ी क्राउड भी है, सारी पब्लिक बाहर से आई ज़्यादातर। कहाँ से भाई आप दोनों कहाँ से आए? मंडाला कहाँ पड़ता है? मुंबई में। अच्छा वैसे यूपी से हो प्रॉपर, तो भाई लोग मन्नत देखने आए थे। हाँ तो सबकी ख्वाहिश रहती है एक बार मुंबई जाओ तो मन्नत जरूर देखो। देख सकते हो गाइस बहुत खूबसूरत बंगला है, और अंदर बंगला ही है, वो पीछे बिल्डिंग है बट ये बंगला है, सामने देख सकते हो बंगला ही बना हुआ ही है और चारों तरफ से सिक्योरिटी है, कहीं से कोई नहीं जा सकता, मतलब सिर्फ शाहरुख भाई ऊपर सीढ़ी में चढ़ के बाहर का नज़ारा देखते हैं और फैंस लोगों को मिलते हैं थोड़ा सा ईद के दिन और उनके बर्थडे। देख सकते हो गाइस पानी जो हेलीकॉप्टर आ रहा है ना, ये हेलीकॉप्टर में आप लोग सवारी कर सकते हो, 5000 रुपये शायद चार्ज है, और इसमें आप पूरे जितने भी सेलिब्रिटी है ना सबका घर देख सकते हो, इसमें बैठ कर के ऊपर से जितने भी सेलिब्रिटी है ना सबका घर देख सकते हो, ये सबका घर दिखाते हैं।
और ये सामने मन्नत। भाई देख सकते हो अभी पानी कम था, अभी धीरे धीरे पानी चलने लग गया है और मैं मन्नत के सामने ये बैंड स्टैंड में, बैंड स्टैंड में देख सकते हो आपने ये एरिया देखा होगा बहुत पॉपुलर है। और अभी ये सामने देख सकते हो पानी समुद्र का बनने लग गया, पहले बन नहीं रहा था, पहले शांत था, अभी आने लग गया पानी, लहरें चलने लग गई है। अभी नीचे जाता हूँ और दिखाता हूँ कैसे क्या सीन है। अरे बाप मैं अभी गिर जाता खतरनाक। अरे बाप इधर पर काली काली पहाड़े हैं, काली काली पत्थर हैं। गिरते गिरते बचा है तुम्हारा भाई तुम्हारी वीडियो के चक्कर में। अभी लहरें चालू हो गई, शाम का समय हो गया ना, शाम के बज चुके हैं 5 शायद समथिंग, मुझे ध्यान नहीं है अभी किसे टाइम पूछ के बताता हूँ। भैया टाइम क्या हो रहा है? 5। ठीक है 5 बज रही है, देख सकते हो और पानी समुद्र का बनने लग गया। तो अभी मैं पानी के अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं गिर जाऊँगा, और गिर जाऊँगा तो फिर मेरे पैर वैर गंदे हो जाएंगे और कपड़े पूरे गीले हो जाएंगे। तो ये देखो सारी पब्लिक मचाते हुए घूमते हुए मन्नत के सामने, पूरा शाहरुख खान भाई का बंगला है देख सकते हो ये सामने वाला, और काफ़ी अच्छा एरिया ये बैंड स्टैंड। अभी जब आया था समुद्र की लहरें शांत थी बिल्कुल, अभी तेज हो गई है वापस और पानी बढ़ने लग गया है वापस। ये देख सकते हो पानी बढ़ने लग गया, हवा चलने लग गई ना तो पानी बढ़ने लग गया है। मैं जूते उतार के जाऊंगा और एक बार अंदर होके आऊंगा कैसे कैसे ही ना, बस संभल के जाना पड़ेगा मेरे को। तो अभी मैं भी जाता हूँ और दिखाता हूँ, और थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ फिसलन ज़्यादा है। अरे बाप फिसलन है यार इधर तो, पानी आ गया। एक मिनट देख लो, ये ओ गजब पानी। मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाता हूँ, और गजब पानी फिर फिर भीग गया। अबे ये बड़ी ले रही आई, अरे बाप पूरा भीग गया मैं तो। बे यार भीग गया गाइस देख सकते हो, मैं तो भाग, पानी बनने लग गया ना, तेज तेज लहरें आ रही थी तो सामने से ये आई बड़ी तेज वाली। अरे गजब यार भीग गया मैं, बाकी कुछ भी कहो यार गाइस मज़ा बहुत आ रहा है, पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। समुंदर की लहरें, समुंदर का पानी, ये आई सामने से बड़ी तेज लहरें, ये देखो ऊपर चढ़ गया, यहाँ पर भी पानी चढ़ गया। अब पानी बहुत आगे तक पहुँचता जा रहा धीरे धीरे करके, अभी पानी कम हो गया था, अब धीरे धीरे पानी बढ़ने लग गया है, सारी हवाएं इधर चलने लग गई ना उल्टा दिशा पे। तो गाइस देख सकते हो फाइनली कितने खूबसूरत खूबसूरत बैंड स्टैंड के घर है, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बैंड स्टैंड के बिल्डिंग से घर है। ऐसी बस एंड बहुत खूबसूरत एरिया है भाई, ये एरिया ऐसा लग रहा है मेरे को आके कि जैसे कि तुर्की है ना, तुर्की इस्तांबुल सिटी, ऐसा लग रहा है इस्तांबुल सिटी आ गया हूँ मैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये अपना मुंबई है देखो, ये कोई अमेरिका कोई बाहर का देश नहीं है, ये अपना मुंबई है, बहुत खूबसूरत है भाई, ऐसा लग रहा है इस्तांबुल सिटी आ गए। तो गाइस देख सकते हो फाइनली आप लोगों ने मूवी में एक भूत बंगला देखा होगा ना, वो भूत बंगला यही है गाइस देख सकते हो, गौर से ये वही भूत बंगला है, मतलब बंगला है, यहीं पे भूत वाली वीडियो बनी थी गाइस। मैं थोड़ा पास में आ रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा क्या सीन है। ये भूत की मूवी शूटिंग हुई थी यहाँ पर देख सकते हो, यहीं पे भूत की शूटिंग हुई थी, आप लोगों ने ये पिक्चर में देखा होगा। अब इसमें कौन सी भूत की शूटिंग हुई थी मूवी की, मेरे को कमेंट करके फटाक से बताओ कौन सी भूत वाली मूवी शूटिंग हुई थी इस बंगले पे। गौर से देख लो, ये मैंने देख रखा बंगला पिक्चरों में, मैंने मूवी के अंदर ये बंगला देखा था, देखो और बताओ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरे सामने जो पीछे देख रहे हो ये एसी बस है, और एसी बस का बांद्रा जाने के लिए, सॉरी बांद्रा मेट्रो स्टेशन, सॉरी
रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको मात्र 6 रुपये लगेंगे। वाह यार, मतलब एसी बस में यार मात्र 6 रुपये में, क्या बात है, अच्छी सुविधा है। चलो भाई, तो यहाँ से कितना, 2-3 किलोमीटर होगा, जा रही है। तो गाइस फाइनली मैंने आप लोगों को शाहरुख भाई का और सलमान भाई का जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है दिखा दिया, मन्नत भी दिखा दिया, और अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को लोकल ट्रेन दिखाने मुंबई की, कि लोकल ट्रेन कैसी होती है, उसमें कैसा क्या भीड़ रहता है। और दूसरी बात, ये जो आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा है बहुत खूबसूरत है और बहुत पुराना भी है शायद, तो आपने देखा होगा कि मुंबई का कल्चर ही बहुत अच्छा है। जैसे तो हम बांद्रा स्टेशन के अंदर पहुंच चुके हैं, जो कि यहाँ पे लोकली ट्रेन सिर्फ चलती है। तो आप लोग देख सकते हो अभी शाम के समय है, तो अभी तो कम भीड़ है, बट अभी यहाँ पर जो भीड़ जो होती है ना, वो सुबह और शाम बहुत ज़्यादा होती है। गाइस यहाँ पर सुबह शाम ज़्यादा भीड़ होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है ना, तो सब लोग ऑफिस जाते हैं, तो सुबह ज़्यादा भीड़ हो जाती है और फिर शाम को वापस अपने अपने घर लौटते हैं लोग, तो हर किसी को जल्दी है। मुंबई भाई बहुत बड़ी आबादी वाला क्या बोलते हैं शहर है, तो यहाँ पर हर किसी को जल्दी है, तो हर कोई जल्दी जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ता है। तो इसमें एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग मुंबई में जा रहे हो तो आने जाने की इसमें आप लोगों को 20 रुपये की तो टिकट मिल ही जाएगी, बट एक चीज़ का ख्याल रहे, इसमें फर्स्ट क्लास बोगी फर्स्ट क्लास डब्बा भी रहता है और सेकंड क्लास भी डब्बा रहता है, तो आप लोगों को ध्यान रहे कि सेकंड क्लास का अगर लिया है तो सेकंड क्लास में ही आपको बैठना पड़ेगा, और फर्स्ट अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास डब्बे को सेकंड क्लास समझ के बैठ गए ना भाई, तो आपको फ़ाइन भरना पड़ सकता है। तो इस क्या बोलते हैं लोकल ट्रेन के अंदर भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास डब्बे होते हैं। देख सकते हो ये मुंबई की लोकल ट्रेन का हाल है, और जो भी मैंने यहाँ पे देखा वो सारा एक्सप्रेशन तुम्हारे को शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हो। और अभी तो कुछ भी गर्दी नहीं है, आपको कम दिख रही है, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलती। अभी मैं तो मैं कैसे खड़ा हूँ, मैं अभी कैमरे को घुमा के आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे खड़ा हूँ, देख सकते हो गाइस। ओ फुल रावा मजे में, पूछो मत, ये मेरा भाई एक नंबर। तो भाई मैं से गुस्सा पिटा पड़ा हूँ, मैं पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। हाँ यहाँ के लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस है कि भाई लोग करते रहते हैं, यहाँ से जाते रहते हैं, तो भाई डेली ऐसा होता है, मतलब कभी कभी गर्दी कम रहती, कभी ज़्यादा भी रहती। अरे हर रोज रहता है, कभी कम नहीं कभी जाती नहीं जाती, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से ट्रेन से टिकट सस्ता पड़ता है, मतलब एक लाइन का कितना 20 रुपये पड़ जाता होगा, मतलब विरार से चर्च गेट तक 20 रुपये में। तो बहुत चीज़ अच्छी लगी यहाँ की, तो भैया भी आ गया, चलो मिलते हैं छोटे में पास। फाइनली गाइस हम लोग अब मीरा रोड पहुंच चुके हैं, जो कि मीरा रोड बहुत विकसित एरिया है, और यहां का रेलवे स्टेशन जो है मतलब तो ये भी बहुत ज़्यादा विकसित है, और ख़ास करके यहां पर क्या बोलते हैं लोकल ट्रेन ज़्यादा चलती है, और इधर पे आप लोगों को बड़ी ट्रेन नहीं मिलेगी, लोकल ट्रेन ज़्यादा मिलती है यहाँ पर, बाकी अच्छा। फाइनली मेरी वीडियो हो चुकी है फाइनल, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।